नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बमन कुंजल क्रिया। कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन सी हमें सावधानी अपनानी चाहिए और कितना ये आपको फायदा करता है। ये बमन कुंजल क्रिया, इसे अक्सर आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जल और पी लेने से सारे हमारे विषाणु बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इसे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करेंगे तो आपकी बैक्टीरिया बाहर निकलेगी। और कहा गया कि वात पित्त कफ के लिए ये बमन कुंजल क्रिया बहुत ही लाभकारी होता है। आपके पाचन तंत्र को ये स्वस्थ करता है और आपके पूरी बॉडी के लिए ये एनर्जी देता है और आपको अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बमन कुंजल क्रिया, जिसे हम बमन धोती भी हम इसे कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बमन इतने सारे रोगों के लिए लाभकारी है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरे शरीर का ये शुद्धिकरण करता है बमन। अब हम बैठ के किस प्रकार से, किस विधि से, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है। आप बैठे हैं तो आप एक टब या तो बाथरूम में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी रूम में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं तो आप एक छोटा टब ले लीजिए और अपने सामने रख लीजिए और जल ले लीजिए। कम से कम 2 लीटर आपको जल लेना है शुद्ध, और उसमें चुटकी भर सेंधा नमक आपको डालना है और अपने सहने योग आप चेक कर लीजिएगा कि इसका जल कितना हल्का गुनगुना है जिसे हम आराम से पी सकें। और अपने पास एक ग्लास आप रखें और उस ग्लास में जल को हम डालते हैं। तो इसे होता है कि हम कुकड़ू पोज में आपको इस प्रकार से बैठना है। आप कुकड़ू पोज नहीं लगा सकते हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मल बाथरूम में जो आपका स्टूल होता है उस पर आप बैठ के कर सकते हैं। ऐसे कुकड़ू पोज में आप बैठ के करिए। अब हम जल को ले रहे हैं, गुनगुना जल को हम ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ग्लास में जल को लिया, उसमें थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है और इस प्रकोज में हम बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हमें घूट घूट नहीं पानी को पीना है। हम जितना फास्ट पिएंगे उतने हमें बमन आने में आसानी होती है। घूट घूट कर पिएंगे तो आपको दिक्कत होगी, बमन जल्दी नहीं आएगा। हमने 1 ग्लास पी लिया, अब आप देख सकते हैं मैंने दूसरा ग्लास मैं पी रही हूँ। इसी प्रकार से आपको दूसरा ग्लास भी पानी को पीना पड़ेगा। जब तक आपको बमन ना आए तब तक आपको पानी पीना है। इस प्रकार से आप मेरे पंजों को देखें, इस प्रकार से ऐसे नॉर्मल है तो नॉर्मल भी आप बैठ के कर सकते हैं, बाथरूम में भी आप बैठ के कर सकते हैं, बेसिन के पास बैठ के आप पानी को चेयर लगाकर भी बैठकर आप पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कुकड़ू आसन में ही बैठें, आप कुकड़ू आसन लग जाए सबसे बेस्ट है आपका आसन। अब मैं तीसरा ग्लास पानी ले रही हूँ, इसी प्रकार आपको पीना है पानी को। और जितना ज़्यादा आप पिएंगे इतना ध्यान रखिए आपको सुबह खाली पेट ही बमन आपको करना है। ये हो गया 3 ग्लास हमारा। अब चौथा ग्लास हम पानी ले रहे हैं इस प्रकार से, जहाँ पर आप बैठे वहीं पर अपनी सारी सामग्री को आप रखें। अब चौथा ग्लास पानी हम पी रहे हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें बमन आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नॉर्मल आपको जितना पानी निकल जाए उतना आप पानी को निकाल लें इस प्रकार से। जब ये आपका बलगम होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से देखिए जितना हमारे पेट के अंदर पानी है पूरे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं उसी प्रकार आपको निकालना है। और जब लगेगा कि हमारा थोड़ा सा पानी बचा हुआ है अभी तो आपको फिर ट्राई करनी पड़ेगी और आपके नोज से पानी आएगा, आँखों से आपके आंसू निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे। अभी देखिए पूरा हमने बमन नहीं कर पाई हूँ, अभी थोड़ा सा पानी बचा है हमारे पाचन में, पेट के अंदर, अमाशय में। तो हमें दो फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ हमें ले जाना है, तर्जनी और मध्यमा को हमें ले जाना है अंदर, पुश करेंगे और हमें इसको दबाना है अंदर। और राइट लेफ्ट भी आप घुमा सकते हैं इसको, राइट लेफ्ट घुमाते घुमाते आप पुश करिए और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो तुरंत बाहर आ जाएगा और पानी इसका येलोइश हो जाता है। आप ध्यान देंगे तो पानी इसका येलोइश आपको निकलेगा और कप सारे आपके कप बाहर आ गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ी हो गई, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है पानी हमारे पेट के अंदर। अब हम थोड़ा सा झुकेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे और वही प्रक्रिया को हमें फिर अपनानी है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी हमारे अंदर बचा है वो भी बाहर आ जाए इस प्रकार से। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। अक्सर लोग डर के मारे नहीं करते हैं कि नहीं पहली बार है हम कैसे करें। आप डर रहे हैं तो आप कहीं भी इसे सीख सकते हैं, अपने जिसे आप गुरु मानते हैं आप उस सेंटर पर जाकर आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। नहीं तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरी विधि बताई, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ ये जल ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आपका बच भी गया तो भी बाहर निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए इस बमन क्रिया को करें, सबसे सरल ये बमन क्रिया है आपके बाद पित्त कफ के लिए, आपके कफ सारे बाहर आ जाते हैं। आप किचन गार्डन में है तो किचन गार्डन में करिए। आप देख सकते हैं कि हमें बमन करने के बाद हमें शशांक आसन में हमें जाना चाहिए। ये शशांक आसन वज्रासन में बैठना चाहिए, दोनों हैंड आकाश की तरफ और फिर नीचे आप डाउन करेंगे ऐसे। और उसमें हमें क्या करना है, कपाल भाति शोधन क्रिया को हमें करना है। जब आप कपाल भाति शोधन क्रिया करेंगे तो थोड़ा बहुत जो नोज में पानी रहता है वो भी आपका बाहर आ जाता है। और उसके बाद आप स्वासन में, आप थोड़ी देर के लिए आप स्वासन में आपको लेटना है इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जो अपने सामान है उसको साइड में रख करें और अपने योगा मैट पे आप इसी प्रकार आप लेटें और मन को आप अपने शांत रखें और जो आपका हैंड है वो आकाश की तरफ रहेगा, बॉडी को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल सहज भाव, मन में आपकी एक शांति, जो शांत वातावरण को महसूस करें, मन ही मन ओम चैटिंग करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने चक्रों का आप ध्यान लगाएं। जब स्वासन में हम लेटते हैं तो इन सब चीज़ों से हमें ध्यान लगाने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, हमारा पूरा बॉडी स्वस्थ रहता है इन सब चीज़ों को
करने से। बमन क्रिया, आप देख रहे हैं कि हम वज्र आसन में बैठे, एक यही आसन है जो भोजन करने के बाद हमें करना पड़ता है। इसके लाभ कितने सारे हैं, जो नमकीन पानी सेलिस्मा को घुलनशील बनाता है और हमारे आमाशय में अम्ल स्राव को वो रोकता है, ये बमन कुंजल क्रिया। जिन्हें अधिक कफ या अति अम्लता की शिकायत हो वो ठीक हो जाती है, आमाशय पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक प्रकार का नूर आएगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और पूरी बॉडी आपकी स्वस्थ होगी, यहाँ तक कि बालों का झड़ना, आपकी 5 इंद्रियाँ आपकी स्वस्थ होते हैं, पाचन तंत्र लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्वस्थ होता है। इस बमन क्रिया को करने से आप तनाव रहित हो जाएंगे। इस बमन को करने से आप पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे कि हमने तो बमन कुंजल क्रिया किया, आज हम पूरे दिन फिट है। सभी प्रकार की एलर्जी को भी ये खत्म करता है। आपके पाचन में कच्ची ढेकार आना या वायु गोला हो जाना, इन सब से ये बमन कुंजल क्रिया निजात दिलाती है। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी और आप इसका लाभ उठाते रहिए। थैंक यू।